बिगिनर्स टू एडवांस ब्लॉग कोर्स, अगर आप लोग ब्लॉग कोर्स करना चाहते हो, ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि इस एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरे का पूरा प्रीमियम ब्लॉग कोर्स फ्री में देखने को मिलने वाला है। अगर आपको प्रीमियम ब्लॉग कोर्स फ्री में चाहिए तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, स्किप नहीं करना, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। तो यार कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर मैं आपको एक एक चीज़ प्रैक्टिकली करके समझाने वाला हूँ। अगर आप लोग इस ब्लॉग कोर्स को पूरा देख लेते तो आप मंथली $500, $600, $700 स्टार्टिंग में ही कमा लोगे। कोर्स को पूरा देखने के बाद, इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद गूगल एडसेंस का अप्रूवल इजीली मिलेगा, ट्रैफिक भी आपको मिलेगा। बस आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं करना। एक एक चीज़ सीख लो, प्रैक्टिकली जाके कर लो, वीडियो पॉज करो और अपनी वेबसाइट को इस तरह से करते जाओ, इन स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, आपको यहाँ पर सारी समझ आ जाएगी। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग होती क्या। कुछ लोगों को नहीं पता होता ब्लॉगिंग क्या होती है, तो मैं आपको बता दूँ, अपना नॉलेज गूगल के ऊपर शेयर करना, वो भी एक ब्लॉग के थ्रू, ठीक है, टाइप करके आर्टिकल के थ्रू अपना नॉलेज शेयर करना गूगल पे, इसे कहते हैं ब्लॉगिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने नॉलेज को वीडियो की सूरत में यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वो भी एक तरह का ब्लॉग होता है, लेकिन टाइप करके आर्टिकल लिख के अपने ब्लॉग के ऊपर अपलोड करते हो, इसे कहते हैं ब्लॉगिंग। तो यार इतना आपको समझ में आ गया ब्लॉगिंग क्या होती है। अब यार ये बात है कि ब्लॉगिंग के थ्रू अर्न कैसे करना, ब्लॉगिंग के थ्रू ऐसे अर्न होता है कि आपको गूगल एडसेंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। जब आप गूगल एडसेंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेते हो और अपने ब्लॉग को पूरा बना लेते हो, अप्लाई कर देते हो गूगल एडसेंस के लिए, तो गूगल एडसेंस वाले क्या करते हैं, आपके ब्लॉग के ऊपर, आपके वेबसाइट के ऊपर अपने एड्स को शो करवाना शुरू करते हैं। अब जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है, लोग आपके एड्स को देखते हैं, तो उससे आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, अर्निंग होती है, वो पैसे आपको मिलते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू, वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिससे आप लोग विड्रॉ करवा लेते हो अपने बैंक से, ठीक है। ये होती है ब्लॉगिंग, मैंने आपको पूरा समझा दिया कि ब्लॉगिंग वर्क कैसे करती है। अब बात कर लेते हैं कि ब्लॉगिंग के ऊपर आपने काम कैसे करना है, एक पूरा ब्लॉग कैसे बनाना है, इस पर काम कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्री में ब्लॉग कैसे बनता है। तो चलो यार कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूँगा जो अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में अपने बेल आइकन को प्रेस कर दो, इस सब्सक्राइब के बटन को चाहे तोड़ो या फिर फोड़ दो या फिर आगे लगा दो, मुझे कोई इशू नहीं, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ ब्लॉग कैसे बनाते हैं। फ्री का ब्लॉग बनाने के लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, आपने गूगल क्रोम पे आ जाना है, यहाँ मोबाइल पे भी आप आ सकते हो और यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन पे भी आ सकते हो, हम यहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप पे करने वाले, आप देख लो आपने कहाँ पे करना है। यहाँ पे आपके पास जीमेल अकाउंट एक होना चाहिए, अगर नहीं है तो न्यू बना लो, आपको आते ही होगा जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ गूगल पे, यहाँ आके टाइप करो ब्लॉगर, तो ब्लॉगर टाइप करोगे इस तरह से आपके सामने पहला लिंक आ जाएगा, यहाँ पे आपको काफी ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए पहले लिंक पे प्रेस कर दो। यहाँ प्रेस करने के बाद देखो ऊपर साइन इन आ रहा है और नीचे क्रिएट ब्लॉग आ रहा है, तो क्रिएट योर ब्लॉग के बटन पे प्रेस कर दो। जैसे कि यहाँ पे प्रेस करोगे आपकी ईमेल का एक्सेस मांगेगा, यहाँ पे आपने इसे क्लिक कर देना है, पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे प्रेस कर देना आपने। उसके बाद देखो आपके सामने रीडायरेक्ट होके इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस के बटन में प्रेस करना, इसको गायब करो, फिर इसको भी गायब कर दो। देन ये देखो इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। अब आप लोगों ने यहाँ पे, अब आपका टाइम है कि आप लोगों ने टाइटल क्या रखना है, टाइटल वगैरह कैसे सिलेक्ट करना है, एक एक चीज़ पेड ब्लॉगिंग कोर्स में मैंने आपको बताई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्री में कुछ नहीं बताऊंगा, फ्री में भी ऑलमोस्ट आपको काफ़ी अच्छा गाइड करूंगा। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना, देख लेना कि आपने टाइटल क्या रखना है। मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ गेमिंग टिप्स, ठीक है, गेमिंग टिप्स के ऊपर मैं ये ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको गेमिंग टिप्स के ऊपर देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग हो रही है, ठीक है, तो मैं इसलिए इसका नेम यहाँ पर रखने वाला हूँ गेमिंग टिप्स। यहाँ पे देख लो, नेम रखने के बाद नेक्स्ट के बटन में प्रेस कर दो और यहाँ पे अपना यूआरएल आपने रखना है। यूआरएल अब क्या होता है वो मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप यहाँ पे आके लिखते हो मीडियम, ठीक है, यहाँ पे मीडियम लिखते हो, ये एक वेबसाइट है medium.com, यहाँ पे देखो आपको ये यूआरएल देखने को मिल रहा है https वगैरह का, इसे आप लिंक कहते हो, यूआरएल कहते हो। अब यहाँ पे मैं अपना ही लिंक दिखा देता हूँ फ्री वाला जो अभी हमारा बनने वाला है टाइम्स ऑफिशियल। अब देखो ये जो यूआरएल आपको देखने को मिल रहा है ना, ये आपका है लिंक, ठीक है, ये जो हमारा blogspot.com यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा लिंक है, तो हम यहाँ पे रखने वाला वही लिंक। हमारे ब्लॉग का नेम है गेमिंग टिप्स, तो देखो इस नेम का ब्लॉग अवेलेबल नहीं है, इन्होंने आपको बता दिया, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और भी कुछ एंटर कर सकते हो। मैं गेमिंग टिप्स ऑफिशियल, यहाँ पे गेमिंग टिप्स 24, यहाँ मैंने ये टाइटल सर्च किया, यहाँ बताया गया दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, देन नेक्स्ट के बटन पर प्रेस कर दो।
उसके बाद देखो डिस्प्ले नेम, आपने डिस्प्ले नेम क्या देना, तो मैं यहाँ पे गेमिंग टिप्स ही देने वाला हूँ। डिस्प्ले नेम भी और टाइटल सेम है हमारा, यहाँ पे फिनिश के बटन में प्रेस करो। उसके बाद आपका ये ब्लॉग बन चुका है, यहाँ भी आके इसे क्रॉस कर दो और इसे भी रिमूव कर दो। ठीक है, अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे पास नो पोस्ट है, अभी तक हमने कोई भी पोस्ट नहीं की। इस वीडियो में मैंने आपको बताना था फ्री का ब्लॉग कैसे बनता है, पोस्ट कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन अभी आपका ब्लॉग बना नहीं है। ऐसा ना हो आप वीडियो छोड़ के चले जाओ, अभी आपको पूरा ब्लॉग नहीं बना। ठीक है, अभी ये देखो, अगर हम इस ब्लॉग को सर्च करते हैं, व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट टैब में इसे ओपन करके देखते हैं, हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह से शो हो रहा है, देयर इज नथिंग हियर गेमिंग टिप्स। ठीक है, सिर्फ गेमिंग टिप्स ही देखने को मिला, क्योंकि नाम टाइटल डिस्प्ले नेम हमने सेट किया, अभी स्टैट वगैरह कमेंट्स अर्निंग्स अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, क्रिएट एडसेंस अकाउंट, एक एक चीज आपको इस कोर्स में बताई जाएगी। आप लोगों ने देख लिया कि फ्री में ब्लॉग कैसे बनता है, फ्री का ब्लॉग तो आपने बना लिया, लेकिन अगर आप सच में अर्निंग करना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते डोमेन के ऊपर, डोमेन आपको 700-800 रुपये में मिल जाती है, अगर आप डोमेन पे इन्वेस्ट नहीं करते तो मेरे भाई आप अर्निंग नहीं कर सकते। फ्री की डोमेन पे एडसेंस का अप्रूवल तो मिलता है, लेकिन अर्निंग आपको 30% मिलता है, 70% गूगल एडसेंस वालों को मिलता है और 30% आपको मिलता है। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, .com, .in, .co, .org, .net इनमें से कोई एक डोमेन बाय करो। आप डोमेन कैसे बाय करते हैं वो भी इसी ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप डोमेन बाय नहीं करना चाहते ना करो, इस वीडियो के इस पार्ट को, इस स्पेसिफिक पार्ट को 2 से 3 मिनट की ये वीडियो कट कर दो, ठीक है, नेक्स्ट कर दो, तो उससे आगे वाला पार्ट आप सारा देख लो, सारा सेम है, चाहे आपने डोमेन लेनी है चाहे नहीं। तो अगर आप डोमेन लेना चाहते हो तो इस पार्ट को भी लाजमी से देखना, स्किप नहीं करना, 2 मिनट का ये पार्ट है। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या काम करना, गोडैडी पे आ जाना, गोडैडी पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, बहुत ही इजी काम है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी डोमेन सर्च करनी है जो आप बाय करना चाहते हो। जैसा कि हमने यहाँ पे अपने ब्लॉग का नेम रखा गेमिंग टिप्स, तो हम इसी तरह का इससे मिलता जुलता डोमेन बाय करने वाले हैं। तो यहाँ पे आके आपने किया टाइप, देखे गेमिंग टिप्स, यहाँ पे अब आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मैंने इसे पहले सर्च किया था, अब आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल गया कि जो डोमेन मुझे चाहिए gamingtips.com अवेलेबल तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज की ये डोमेन आ रही है, तो मैं यहाँ पे 9 लाख रुपए इन्वेस्ट तो नहीं करने वाला सिर्फ एक कोर्स बनाने के लिए। मैं ये कोर्स बनाने के लिए साइट बना रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है कि मैं ये वेबसाइट पूरी रन कर सकूँ। इस पे सिर्फ कोर्स बनेगा, एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, आपको दिखाया जाएगा, बाद में ये गिव अवे कर दिया जाएगा इस वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के साथ ही, इंशाल्लाह 50K सब्सक्राइबर्स के बाद। तो आप लोगों ने जल्दी से क्या काम करना है, भाई के 50K सब्सक्राइबर्स यहाँ पे कंप्लीट करवाने हैं। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके आके बटन पर प्रेस करो, जल्दी से 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ। देन देखो यहाँ पे आपकी डोमेन आ गई, मैं ये तो परचेज नहीं करने वाला, तो मैं क्या काम करता हूँ, थोड़ी सी चेंज करूंगा गेमिंग टिप, ठीक है, gamingstip.com। यहाँ पे इस डोमेन को मैंने सर्च किया, अब यहाँ पे देखो ये डोमेन तो मुझे मिल रहा है, देखो 999 रुपीज, लेकिन जब मैं इसे बाय करने वाला हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम आपने गोडैडी का अकाउंट बनाया और आपका कार्ड भी फ्रेश है, वीजा या मास्टर कार्ड जो आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, फ्रेश कार्ड है, पहली दफा यूज कर रहे हो, तब आपको 999 रुपीज की मिलेगी। लेकिन मैंने काफी दफा यूज किया हुआ, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि gamingstip.com अवेलेबल 5 ईयर्स की 11,000 की है, तो मैं यहाँ पे 1 ईयर की परचेज करने वाला हूँ। 1 ईयर प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे 1 ईयर की प्राइस आ गई 1999। अगर आप लोग पहली दफा फ्रेश अकाउंट है तो आपको 1999 में ही मिलेगी, लेकिन अगर आपका अकाउंट काफी दफा यूज हो चुका है, यानी आपका कार्ड जो है क्रेडिट कार्ड काफी दफा यूज हो चुका है, तब आप लोगों को यहाँ पे डोमेन की प्राइस काफी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नो थैंक्स पे प्रेस किया आपने, यहाँ भी इसे अनटिक किया और यहाँ भी नो थैंक्स पे प्रेस करके यहाँ कंटिन्यू कार्ड के बटन पे प्रेस कर दिया। उसके बाद देख लो आपके सामने इस तरह से लोडिंग होगी, इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी डोमेन की प्राइस इतनी है 1900, तो आपने कुछ भी ऐड नहीं करना इसमें। और अगर आप पहली दफा परचेज करें तो हैवे प्रोमो कोड के बटन पे प्रेस करो, यहाँ पे आके सर्च करो गो डैडी प्रोमो कोड, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम यूज करो तो आपका प्रोमो कोड काम करेगा और आपकी डोमेन यहाँ पे काफी कम प्राइस में आपको देखने को मिलेगी। ये 1900 के 800 तक आपको मिलेगी, 829 रुपीज के अंदर मिलेगी। शो कोड पे प्रेस करो, ये कोड यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पे ला के हैवे प्रोमो कोड के बटन में प्रेस करो, देन अप्लाई के बटन में प्रेस करो, तब आपका कोड ये काम करेगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, मेरा कोड काम नहीं करेगा क्योंकि मैं पहली दफा परचेज नहीं कर रहा, काफी टाइम परचेज कर चुका हूँ, तो इस पे मुझे 700 सेव हो रहा है अभी। आई एम रेडी टू पे के बटन में प्रेस करो, देन यहाँ पे आपकी
पेमेंट मेथड आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा पेमेंट मेथड यूज करना है, देन आप लोगों ने यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड ऐड करना। मेरा ऑलरेडी ऐड है तो मैं यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड ऐड करता हूँ। देन देखो रिव्यू ऑर्डर के बटन में प्रेस किया मैंने। अब यहाँ पे देख लो यार मुझे ये डोमेन कितने की मिली है, 1999 रुपीज की थी, 31 रुपीज टैक्स पर आ, देन 2030 रुपीज की यहाँ पे डोमेन आ गई। रिव्यू ऑर्डर के बटन में प्रेस किया, अब देखो यहाँ पे आके टोटल पेमेंट आपकी आ चुकी है 2030 रुपए, तो कंप्लीट परचेज के बटन में प्रेस कर दो। आपको ये 700-800 रुपए के अंदर मिलेगी अगर आप पहली दफा यूज कर रहे हो। अगर मेरे थ्रू परचेज करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, वहां से जाके डोमेन परचेज कर सकते हो। आपको भैया आपको परचेज करवा देगा, ठीक है, एक असिस्टेंट बैठा हुआ है वो आपको परचेज कर देगा। कंप्लीट ऑर्डर पे प्रेस करोगे, यहाँ पे एक लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद आपको एक अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, आपकी डोमेन बाय हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, एरो के बटन पे प्रेस करना है, यहाँ माय प्रोडक्ट के बटन पे आ जाना है। अब देखो माय प्रोडक्ट्स के अंदर आने के बाद माय डोमेन्स के अंदर आपको यहाँ पे डोमेन देखने को मिलेगी कि आपने जो डोमेन बाय की है, यहाँ पे देख लो आपको देखने को मिल रही है gamingstip.com। अगर यहाँ पे अभी हम इसे लिस्ट करते हैं तो इस डोमेन की वैल्यू हमें देखने को मिलती है $1106। तो यार अगर आप लोगों ने डोमेन को बाय कर लिया है, बाय करने के बाद अब आपको कनेक्ट करना पड़ता है अपनी डोमेन को अपने ब्लॉग के साथ। डोमेन को ब्लॉग के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, चलो यार कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के वो भी देख लेते हैं। देखिए ब्लॉगर पे आपको फ्री डोमेन देखने को मिली है .blogspot.com वाली। अब ब्लॉगर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने डोमेन को कैसे अटैच करना है, ये गोडैडी की डोमेन है, हम गोडैडी की डोमेन को ब्लॉगर पे लगाने वाले हैं। तो आप लोगों ने पहले अपने ब्लॉग पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद ब्लॉग की सेटिंग्स है, थीम के नीचे सेटिंग्स है, यहाँ पे आ जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कॉफी ऑप्शन देखने को मिलता है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, देखिए पब्लिशिंग के अंदर आपको ब्लॉग एड्रेस मिल रहा है जो कि आपका ऑलरेडी है। आपने क्या करना है, कस्टम डोमेन यहाँ पे ऐड करना है, तो कस्टम डोमेन के बटन पे प्रेस करें। अब यहाँ पे कस्टम डोमेन ऐड करने के लिए आ जाए अपने गोडैडी अकाउंट के ऊपर, ड्रॉप डाउन बटन पे प्रेस करें और यहाँ पे माय प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे आपको आपकी डोमेन मिल जाएगी, स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे DNS का ऑप्शन है, DNS के ऑप्शन पे आ जाए। DNS के ऑप्शन पे आने के बाद देखिए अब आपको काफी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों ने अब क्या काम करना है, CNAME और CNAME, यहाँ पे ये दो ऑप्शन है सिर्फ, आपने इनको यूज करना है। उसके लिए आप लोगों ने चले जाना है एडिट के बटन पे और थोड़ा सा अप करना है, यहाँ पे आपको आपकी डोमेन के करेक्ट एग्जैक्ट स्पेलिंग देखने को मिलता है, इसे कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाओ यहाँ पे अपने ब्लॉग के ऊपर, यहाँ पे लिखो www डॉट, आगे उसी डोमेन को टाइप कर दो। देख लो आपकी डोमेन आ चुकी है, सेम स्पेलिंग है, देन सेव के बटन पे प्रेस करो, सेटिंग सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सी नेम्स, तो पहले सी नेम के अंदर आपको देखो नेम के आगे आपने लिखना है www, ठीक है, ये www आपको देखने को मिल रहा है। अब ये www तो पहले से यहाँ पे ऐड है, देखिए अगर आप आते हैं यहाँ पे सी नेम्स के अंदर, नेम के अंदर www ऐड है, वैल्यू के अंदर आपने क्या ऐड करना है वो भी देख लो। यहाँ पे डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन के आगे ये जो टेस्ट लिखा हुआ है इस टेस्ट को कर लो इतना copy.com तक, और यहाँ पे आ जाओ अपने GoDaddy अकाउंट पे। यहाँ पे आने के बाद वैल्यू के अंदर जो लिखा हुआ है इसे करो रिमूव और यहाँ पे पेस्ट कर दो ये टेस्ट, देन कर दो सेव का बटन है, सेव कर दो। उसके बाद दूसरा सेकंड सी नेम है, इसे भी एडिट के बटन पे प्रेस करो, ये देखो आपको पहला DNS सेव हो चुका है। अब दूसरे के अंदर आप लोगों ने क्या काम करना है, देखो यहाँ पे आ जाओ, अगेन आपको एंड और नेम देखने को मिला है, नेम के आगे ये टेस्ट देखने को मिला है कोमा तक, ये टेस्ट इतना करो, यहाँ से कॉपी और आ जाओ अपने GoDaddy पे। यहाँ पे देखो सी नेम के अंदर आपने इसे कर दिया पेस्ट, पहले वाले को रिमूव कर देना, देन अगेन यहाँ पे आ जाना और डेस्टिनेशन के आगे फिर से एक टेस्ट है इसे .com तक करो कॉपी, यहाँ पे आके कर दो वैल्यू के अंदर रखो, पहले वाला टेस्ट करो डिलीट हो, यहाँ पे कर दो पेस्ट, सेव के बटन पे प्रेस कर दो। देखिए आपके DNS यहाँ पे सेव हो चुके हैं। अब आप लोगों ने आ जाना अपने GoDaddy अकाउंट पे, सेव के बटन पे प्रेस करना है, तो आपको यहाँ सेविंग सेटिंग के बाद एरर देखने मिलता है कुड नॉट अपडेट। तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे एक या दो मिनट आपने वेट करना है, उसके बाद ट्राई करना है। अब यहाँ पे दो मिनट वेट करने के बाद मैंने यहाँ पे सेव के बटन पे प्रेस किया, आप देखो सेविंग सेटिंग्स के बाद मुझे यहाँ पे एरर नहीं बल्कि सेटिंग्स अपडेटेड देखने को मिला, यहाँ पे डोमेन मेरा ऐड हो गया। व्यू ब्लॉग के बटन पे प्रेस करोगे फौरन ही, जैसे ही डोमेन आपका ऐड होता है तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा 404 या इसी तरह का कोई एरर मिलेगा नॉट सिक्योर के नेम से। अब आप लोगों ने इतना ही काम नहीं करना, यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आने के बाद कुछ काम करना है, रीडायरेक्ट डोमेन इसे ऑन कर देना है, ऑन करने के बाद अगेन यहाँ पे आ जाना है HTTPS अवेलेबिलिटी, इसे भी ऑन कर देना है।
इसे ऑन करोगे, ऑन होने के बाद नीचे वाला भी आपने ऑन ही रखना है, ठीक है। ये इन तीनों को आपने यहाँ पे देख लेना कि आपने ऑन करके रखना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आके जब रिफ्रेश करते हो तब भी आपको यही एरर मिलेगा। अब फिर आपने यहाँ पे 5 से 10 मिनट वेट करना है, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स यहाँ पे वेट करते हैं। तो लो यार, कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पे हमारा ब्लॉग रेडी हो चुका है, हमारी डोमेन यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। आपके सामने अगर रिफ्रेश करके भी आपको दिखा दिया जाए तो हमारा ब्लॉग यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे नॉट सिक्योर था तो यहाँ भी आपको लोग देखने को मेरा ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे आके देखते हो तो आपकी साइट यहाँ पे देखो कनेक्शन इज सिक्योर आ चुका है। आप लोगों ने डोमेन को कनेक्ट कर लिया, अपने ब्लॉग के साथ अटैच कर लिया, ठीक है, सही से अटैच भी होगी। तो यार वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे इस तरह की नई नई वीडियोस लेके आने के लिए। जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दो, वीडियो को पॉज करो, जाओ यार चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, भाई को सपोर्ट नहीं करते, भाई आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस डेली लेके नहीं आ सकेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते जाओगे, भाई को मोटिवेट करते जाओगे, आपका भाई आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस लेके आता रहेगा। इतना काम करने के बाद अब आपको बनाने पड़ते हैं यहाँ पे पेजेस। पेजेस क्या होता है? पेजेस से ये पता चलता है कि आपके ब्लॉग का डिस्क्लेमर क्या है, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, और आप अपने अबाउट वहाँ पर बताते हो कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो वगैरह वगैरह, या क्या पोस्ट करने वाले हो अपने ब्लॉग के ऊपर। इसके अलावा कॉन्टैक्ट, अगर कोई बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है वो कैसे करेगा, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है। ये 4 से 5 पेजेस आपको बनाने पड़ते हैं। कौन कौन से? कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ठीक है। इसके अलावा साइट मैप, ये 5 पेजेस आपको बनाने पड़ते हैं। इसके बाद आपको इजीली गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। अब ये पेजेस आपने कैसे बनाने हैं वो स्क्रीन पे जाके देखते हैं। अगर पेजेस बनाने के लिए आप लोगों ने आ जाना अपने ब्लॉग पे। देखिए हमारा ब्लॉग बिल्कुल न्यू है, यहाँ पे अभी तक कोई एक सिंगल पोस्ट भी अवेलेबल नहीं है। अगर व्यू ब्लॉग पे जाते हैं तो आपको एकदम ये खाली ब्लॉग देखने को मिल रहा है। तो हमने पेजेस अब कैसे क्रिएट करने हैं, देखो पोस्ट के नीचे थोड़ा सा हो गया, अर्निंग के नीचे लेआउट के ऊपर आपको पेजेस मिलते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला न्यू पेज का, क्रिएट न्यू पेज, यहाँ पे प्रेस कर दो। अब देखो सबसे पहले जो हमने पेज बनाना है वो हमने बनाना है यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का। तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपने खुद से लिखने नहीं बैठ जाना मेरे भाई, मैं आपको दिखाता हूँ आपने कैसे बनाना। गूगल पे आ जाना है, यहाँ आके लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। इतना टाइप करोगे देखो ऊपर ये ऐड है, ऐड को क्लिक नहीं करना आपने, नीचे आ जाना देखो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ये साइट है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा, एंटर योर कंपनी नेम, अपनी कंपनी नेम यानी साइट का नेम लिखो, जैसा कि हमारा नेम है गेमिंग्स टिप, ठीक है, इतना हमने टाइप कर दिया। एंटर योर वेबसाइट नेम, सेम नेम यहाँ भी टाइप कर दिया, वेबसाइट का URL अपना यहाँ से लेके वेबसाइट URL पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आके नेक्स्ट के बटन में प्रेस कर दो। नेक्स्ट पे प्रेस करोगे यहाँ पे डू यू हैव कुकीज ऑन योर वेबसाइट, यस। डू यू शो एडवर्टाइजमेंट थ्रू गूगल एडसेंस, यहाँ पे इसे भी अलो कर दो, गूगल एडसेंस हमने अप्रूवल लेना है। नीचे लास्ट वाले को हमने यहाँ पे नो करना है क्योंकि हम गूगल एडसेंस ही लेने वाले हैं, कोई और साइट नहीं। देन नेक्स्ट के बटन में प्रेस करो, यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करो, उसके बाद देखो स्टेट के कौन सी स्टेट में आप रह रहे हो, तो मैं पंजाब में हूँ तो पंजाब का रहो। देन आपने यहाँ पे अपना कोई भी एक ईमेल लगा देना, कोई स्पेयर भी लगा दो, कोई इशू वाली बात नहीं। ईमेल लगाने के बाद देखो जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी के बटन पे आपने प्रेस करना है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। उसके बाद देखो इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, गो टेस्ट टू क्लिपबोर्ड, यहाँ पे प्रेस करना, ऊपर वाले टेस्ट को नहीं लेना, नीचे वाले को लेना है, इस वाले को, ठीक है। यहाँ पे कॉपी टेस्ट टू क्लिपबोर्ड किया, उसके बाद आगे किसी भी नोटपैड के ऊपर, नोटपैड पे आने के बाद यहाँ पे इस टेस्ट को किया कॉपी, अगेन इसे किया, यहाँ से सिलेक्ट और कर लिया, अगेन कॉपी, ठीक है, यहाँ पेस्ट करने के बाद कॉपी कर लिया। अब आपने जाके लगाना है अपने पेज के अंदर, यहाँ पे पेज के अंदर आ जाओ, यहाँ पे मेन हेडिंग के, यहाँ पे मेन एरिया के अंदर जहाँ आपका टेस्ट होगा। यहाँ आने के बाद आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट नहीं करना, एडिट का बटन है, यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि ये HTML टैग था तो हमने यहाँ पे आके इसे कर दिया पेस्ट। देन अगेन यहाँ पे आके कंपोज व्यू के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे देखो अब साइट्स के लिंक जो आ रहे हैं इसी साइट के जहाँ से हमने जनरेट किया, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ये लिंक है तो इसे खत्म कर दो। देन अगेन नीचे देखो जहाँ जहाँ पे लिंक है उसे यहाँ से रिमूव करते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आके अपना टाइप कर दो पेज का नेम, ठीक है, अपने ब्लॉग का नेम गेमिंग्स टिप, ठीक है, ये यहाँ पे टाइप करके पेज के बटन में प्रेस करो, कंफर्म के बटन में प्रेस करो। बाकी सेटिंग हमने पहले से कर रखी है, जैसा कि मैंने पहली सेटिंग्स वाली वीडियो में आपको दिखाया। अब न्यू पेज पे आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद दूसरा पेज हमारा होगा यहाँ पे डिस्क्लेमर। देन आप लोगों ने आ जाना अगेन गूगल के ऊपर, गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है
डिस्क्लेमर जनरेटर, ये करोगे सेम साइट आएगी, वहाँ पे चले जाओ डिस्क्लेमर जनरेटर पे। यहाँ पे आपका डेटा पहले से अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करते जाओगे डेटा आता जाएगा। नेक्स्ट पे प्रेस करो, अगेन यहाँ पे अपनी कंट्री ऐड करो, कंफर्म के बटन में प्रेस किया तो आपके दो पेजेस बन गए। अब यहाँ पे थर्ड पेज हमने कौन सा बनाना है, अबाउट का, ठीक है। न्यू पेज के बटन में प्रेस किया और यहाँ पे आके टाइप कर दिया अबाउट अस। अबाउट अस में आपने क्या टाइप करना है, देखो आपने सेटिंग्स के अंदर आ जाना है अपने ब्लॉग की सेटिंग्स। यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, यहाँ पे इसी डिस्क्रिप्शन को कर लो कॉपी और यहाँ पे पेजेस के अंदर आके अबाउट अस का जो पेज बना रहे हो यहाँ पे आके इसे कर दो पेस्ट, देन कर दो पब्लिश, ठीक है। पब्लिश करने से पहले ये ध्यान रखना है कि यहाँ भी आपने फिर से गेमिंग टिप लिखना है, अपनी साइट का नेम लिखना है, यानी कि पब्लिश कर दो। अबाउट अस में इतना ही काफ़ी है क्योंकि ये आपने अबाउट अस ही लिखा हुआ है, ठीक है। तीन पेजेस बन गया। अब लास्ट वाला पेज है वो कौन सा है, वो यहाँ पे होगा कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होगा, वो आपने कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने आ जाना है अपने गूगल के ऊपर ब्राउजर पे, यहाँ पे ये देखो गूगल ऐप से यहाँ पे आ जाओ, देन स्क्रोल डाउन करो थोड़ा सा और यहाँ पे आपको डॉक्स देखने को मिलता है। डॉक्स के अंदर आ जाओ, डॉक्स में आओगे यहाँ पे देखो क्रॉस करो इसे और यहाँ राइट क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो फॉर्म्स का बटन है, फॉर्म्स पे आ जाओ। फॉर्म्स पे आने के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है, अगर खुद से जनरेट करना खुद कर लो, इसे एडिट करना चाहो तो इसे एडिट भी कर लो, अदरवाइज मैं इसे ऐसे ही यूज़ करने वाला हूँ तो आप भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। देन आप लोगों ने देखो क्या काम करना है, सेंड के बटन पर प्रेस करना है, यहाँ पर ये वाला लिंक आ रहा है, चाहे इस लिंक को यूज़ कर लो चाहे इस एम्बेड लिंक को यूज़ कर लो। हम एम्बेडेड लिंक को यूज़ करने वाले, इसे किया कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गए पेज के अंदर, यहाँ अगेन गए HTML व्यू में और यहाँ पे इसे कर दिया पेस्ट और अगेन कर दिया इसे कंपोज व्यू। कंपोज व्यू करोगे इस तरह से शो होगा, यहाँ पे आपको पेज नहीं शो होगा, अभी दिखाता हूँ क्या करना। यहाँ गेमिंग टिप अपने ब्लॉग का नेम पब्लिश, कन्फर्म के बटन पर प्रेस किया। अब देखो आपके चार के चार पेजेस बन गए। अब ये पेजेस कैसे देखने को मिल रहे हैं, देखो मैं आपको इन्हें ओपन न्यू टैब में करके दिखा देता हूँ। अब ये पेजेस हमारे आ चुके हैं, इस तरह से आपको ये पेजेस वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके आप अपना डेटा, किसी ने अगर कॉन्टैक्ट आपसे करना हो यहाँ पे आकर अपना डेटा एंटर करके आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद अबाउट अस का पेज है ये, उसके बाद डिस्क्लेमर का ये पेज है। अभी हमारा ब्लॉग सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसे हमने प्रो लेवल पर लेके जाना है। अभी आपने कोर्स देखते रहना, जैसे ही कोर्स खत्म होगा प्रो लेवल पे आप पहुंच जाओगे। आई होप यार आपने पेजेस सारे के सारे बना लिए, इजीली आपको समझ आ गई है पेजेस कैसे बनाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मेन पॉइंट की। इस वाले पार्ट को, ये जो 5 से 7 मिनट का पार्ट होगा, इसको आपने अच्छे से देखना है। जिन लोगों ने इसको समझ लिया उन्हें 100% एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा और गूगल के थ्रू आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। जब आपको गूगल के थ्रू ट्रैफिक मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपका रिवेन्यू जनरेट होगा, उतनी ही ज़्यादा अर्निंग कर सकोगे। इसलिए आपने इस पार्ट को अच्छे से देखना है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कैसे आप अपनी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिख सकते हो, यह चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ। अच्छे से देखना है, सिर्फ ब्लॉग पोस्ट ही नहीं, SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट या SEO फ्रेंडली आर्टिकल कह लो, कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो प्रैक्टिकली कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले यही कहूँगा कि चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 50K सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, जल्दी से 50K सब्सक्राइबर पूरे कर दो। आपका भाई आपके लिए कोई गिव अवे भी लेके आए। हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। ब्लॉगर के ऊपर आपने ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखनी है, ब्लॉगर पे आ जाए तो बिल्कुल फ्रेश ब्लॉग है ये हमारा। यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे आके अगर आपको दिखा दिया जाए तो एकदम फ्रेश ब्लॉग है हमारा, यहाँ पे कुछ भी अभी ऐड नहीं है। तो हमने ऐड कैसे करना है, इसका इंटरफेस तो हम बाद में चेंज करके आपको दिखाएंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ यहाँ पे आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना सिखाएंगे, वो भी SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट, जिसके थ्रू आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। देखो यहाँ पे पोस्ट के ऊपर आपने आ जाना, न्यू पोस्ट के बटन पर प्रेस कर देना। न्यू पोस्ट के बटन पर प्रेस करोगे इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपने आर्टिकल लिखना कैसे है। इस पोस्ट के अंदर मैं आपको लिखना सिखाने वाला हूँ, ना कि कॉपी पेस्ट करना। कॉपी पेस्ट करना है तो अलग से उस पर वीडियो आएगा कि कॉपी पेस्ट करके आप आर्टिकल कैसे लिख सकते हो। ये ब्लॉग कोर्स काफ़ी लंबा जाने वाला है, लेकिन इस ब्लॉग कोर्स के अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलने वाली है, जिनको सीख के आप लोग एक्सपर्ट ब्लॉगर बन सकते हो। तो यहाँ पे यार अगर ये काम सीख रहे हो तो बेस्ट है। देखो आप बिगिनर हो, आपके पास ब्लॉगर है, प्लेटफॉर्म ब्लॉगर है, वर्डप्रेस नहीं है। मेरे पास वर्डप्रेस अवेलेबल है तो यहाँ पे अपलोड करके मैंने SEO की हुई है। ये देखो रीडबिलिटी भी इसकी गुड है और SEO भी गुड है, यानी कि SEO अच्छे लेवल की SEO मैंने की हुई है इस पोस्ट की। तो अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, इसी ब्लॉग पोस्ट को पोस्ट करने वाला हूँ
कहाँ पे ब्लॉगर के ऊपर। अब आपको कैसे सिखाना है मैंने वो भी देख लो। फिलहाल मैं वर्डपैड के ऊपर इस पोस्ट को कॉपी कर लूँ। वर्डप्रेस पे लिखने का मुझे ये फायदा हुआ कि यहाँ पे एसईओ का पता चल गया कि 100% ये ग्रीन हो चुका है, यानी गुड एसईओ हो चुकी है, गुड रीडेबिलिटी हो चुकी है। इससे मुझे ये पता चल गया, फायदा ये मिला। आपके पास ये नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं, कोई रोले शोले वाली बात नहीं है। तो आपने कैसे आर्टिकल लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा मैंने खुद दिया है, लेकिन वहां पे जाके सिर्फ चेक किया एसईओ इसकी कैसी है, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे गूगल एडसेंस अप्रूवल टिप्स, ये मेरा कीवर्ड है। अब कीवर्ड आपने कहाँ से लेना है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखो आपने यहाँ पे आ जाना गूगल के ऊपर, गूगल पे आके भी आप यहाँ भी टाइप कर सकते हो। देखो गूगल एडसेंस अप्रूवल, यहाँ पे लिखा मेरे गूगल एडसेंस अप्रूवल, तो मुझे यहाँ पे देखो ट्रिक मिल रहा है और यहाँ और भी रिलेटिव कीवर्ड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं टी लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो टी आई लिखता हूँ तो यहाँ पे टिप्स आ गया देखने को, ठीक है। अगर इतना ही लिखता हूँ गूगल एडसेंस, यहाँ पे देखो खाली मैंने टाइप किया गूगल एडसेंस, ठीक है, गूगल एडसेंस आ गया। तो यहाँ पे देखो आगे किया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने में मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड ऐड कर दिया गूगल एडसेंस अप्रूवल टिप्स, यहाँ पे एंटर ऐड करके देखा तो इस पे मैंने देख लिया कि सर्चिंग कितनी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट्स मुझे कितने देखने को मिल रहा है, 515,000 रिजल्ट देखने को मिल रहा है सेम कीवर्ड के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से ही आके कीवर्ड लेने हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज़ कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, कीवर्ड प्लानर भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे आ गया, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के बटन में मैंने प्रेस किया और यहाँ पे आकर अपना मेन कीवर्ड जो है मेरा ये देखिए गूगल एडसेंस अप्रूवल टिप्स है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल गूगल एडसेंस अप्रूवल, ठीक है। इसमें मेरे तीन कीवर्ड देखो कवर हो रहा है गूगल एडसेंस और अप्रूवल का। देखो यहाँ पे आके अगर मैं पाकिस्तान आया तो यहाँ पे आके मैं वर्ल्ड वाइड करता हूँ, देखो सेव के बटन में प्रेस किया तो वर्ल्ड वाइड ये एक मंथ का दिखा रहा है। देखो एक मंथ की सर्चिंग यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे एक साल की करता हूँ। तो ये जो कीवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ इस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पे सर्च रिजल्ट काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। तो सपोज आपने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करना है हाउ टू बी रिच, ठीक है। आपने ये कीवर्ड यूज़ करना है और यहाँ पे आके गेट रिजल्ट के बटन में प्रेस किया तो आपको पता चला कि हाउ टू बी रिच इस कीवर्ड के ऊपर 10,000 से 1,00,000 तक मंथली जो है कीवर्ड सर्च है, मंथली लोग सर्च कर रहे हैं आके गूगल पे और कंपटीशन मीडियम है। और यहाँ पे हाउ टू गेट रिच के ऊपर भी सेम वॉल्यूम है और मीडियम कंपटीशन है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि किस कीवर्ड के ऊपर कितना वॉल्यूम है, इन कीवर्ड्स को अपने यूज़ करना है, इसको कैसे यूज़ करते हैं उस पर डिटेल एक वीडियो आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने एक आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखना है। तो ये देखो मेरा टाइटल है, टाइटल सबसे पहले आप लोगों ने आके यहाँ पे टाइटल के अंदर कर देना पेस्ट, ये आपका टाइटल हो गया। ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना, लॉन्ग टेल ज़्यादा नहीं करना, लॉन्ग ही करना लेकिन ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना कि इतना यहाँ तक ले आओ, थोड़ा बहुत रखो बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना पोस्ट आपने करनी है। पोस्ट करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने अपने ये टाइटल कवर करना है। देखो ये टाइटल है गूगल एडसेंस अप्रूवल टिप्स, देखो मैंने ये टाइटल यहाँ पे रख दिया। उसके बाद आपने बता देना इन दिस आर्टिकल वी विल टॉक अबाउट कि इस आर्टिकल के हम क्या काम करने वाला है एडसेंस अप्रूवल, ये हमारा ये कीवर्ड है। अगेन हमने इस कीवर्ड को भी यूज़ कर लिया एडसेंस अप्रूवल के। इफ़ यू नॉट नो हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल फास्ट, ये भी एक हमारा कीवर्ड है हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल फास्ट, ठीक है, हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल फास्ट, यहाँ भी एक कीवर्ड यूज़ कर लिया हमने। दिस आर्टिकल गोना हेल्प यू लॉट टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल फास्ट, यू नीड टू फॉलो गूगल एडसेंस रिक्वायरमेंट्स। मेरी इंग्लिश कोई इतनी हैवी नहीं है, मैंने खुद से लिखा है, अगर कोई मिस्टेक हुई है तो यार उसे इग्नोर करना, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग कीवर्ड्स को यूज़ करके एक पैराग्राफ बना सकते हो 5 से 6 लाइनों का। अब ये पैराग्राफ बना लिया मैंने और यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट, ठीक है, ये पैराग्राफ मेरा ऐड हो गया। अब यहाँ पे आके इस पैराग्राफ का जो मेन कीवर्ड है आपका, ये देखो ये वाला मेन कीवर्ड है, इसे कर दो बोल्ड। यहाँ पे और जितने आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं उन कीवर्ड्स को आपने कर देना है बोल्ड। यहाँ पे देखो गूगल एडसेंस, यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल। अब देखो यहाँ पे मैंने अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया, अब एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना एक ये जो सेम कीवर्ड है ना ऊपर आपने टाइटल में यूज़ किया, इसमें इससे मिलता जुलता है कीवर्ड यूज़ करना, यही करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। गूगल एडसेंस अप्रूवल मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इसे बोल्ड किया और इसे आके मेजर हेडिंग कर दिया, आपने मेजर हेडिंग दे दी। उसके नीचे आप लोगों ने अब क्या काम करना है, पैराग्राफ लिखना है कोई, तो मैंने पैराग्राफ लिखना है यहाँ पे देखो देयर आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल।
मैं यहाँ पे टिप्स देना चाहता हूँ, आप पूरा पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हो कि ये देखो जैसे कि ये आपने एक पैराग्राफ बन गया, ठीक है, ये आपने आपका पैराग्राफ बन गया। इस तरह से आप पैराग्राफ बना के, जैसे मैंने ये ऊपर पैराग्राफ बनाया ना, इस तरह से आप पैराग्राफ्स बना के भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा काम यहाँ पे इस तरह से हाइलाइट्स करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको किया यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद देखो मैंने ला के यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और यहाँ पे देखो मैंने इतने जो है ना इनको करना है यहाँ पे नंबरिंग देनी है, तो मैंने इनको नंबरिंग्स दे दी, ठीक है, सिलेक्ट सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग दे दी। अब उसके बाद थोड़ा सा आपने दे देना है, देर आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स टू फॉलो इफ यू वाना गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल ऑन योर ब्लॉग और वेबसाइट। थैंक्स फॉर रीडिंग, सब्सक्राइब अस फॉर मोर लेटेस्ट एडसेंस अप्रूवल टिप्स, ठीक है। यहाँ पे इतना मैंने बता दिया। अब आपने देखना है कि आपके आर्टिकल की वर्डिंग जो है ना वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 1000 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे वर्ड्स काउंटर आपने देख लेना, ऑनलाइन वर्ड्स काउंटर, तो यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने अपने सभी पूरे आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने वर्ड यूज़ किए। 274 वर्ड्स मैंने यूज़ किया, तो आपने देख लेना मिनिमम 1000 वर्ड, वो आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ, इतना आर्टिकल मैंने लिखा, आपने देख लेना मिनिमम 1000 वर्ड आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इतना काम करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक थंबनेल भी यूज़ करना है। थंबनेल अब आपने कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाना और थंबनेल आप लोगों ने यूज़ करना है, यहाँ पे चले जाना है अपनी इमेज के अंदर, इंसर्ट इमेज, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, चूज फाइल करने के बाद देखो यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है आपके ये थंबनेल, इसे किया सिलेक्ट और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, आपका थंबनेल आ गया। इतने काम नहीं है, अब आप लोगों ने यहाँ पे अपने टाइटल का जो मेन कीवर्ड है ना आपके आर्टिकल का, इसको किया कॉपी, यहाँ पे क्लिक किया, सेटिंग का बटन आया यहाँ पे ऑल टेक्स्ट पे, और टाइटल टेक्स्ट पे ऐड किया और इसे यहाँ पे कर दिया लार्ज, ठीक है। लार्ज करने के बाद अपडेट कर दिया, तो आपका थंबनेल यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आप लोगों ने और काम करना है, वो आप लोगों ने क्या काम करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप लोगों ने एसईओ फ्रेंडली इसका टाइटल लिखा ना, इसके 150 वर्ड्स तक आप लोगों ने यहाँ से करना कॉपी, कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आ जाना आपने सर्च डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आके कर देना पेस्ट। अब आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट करने के बाद क्या काम करना है, लेबल्स में आ जाना है और यहाँ एक लेबल रखना है, जैसे कि मैं रखना चाह रहा हूँ गूगल एडसेंस। अब ये लेबल क्या होता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। यहाँ पे अगर आप आ जाओ अपनी ही साइट के ऊपर, मैं आपको ले आया हूँ, यहाँ पे देख लो ये डोमेन भी फ्री का है, डोमेन भी फ्री का है, और यहाँ पे देख लो गूगल के एड्स भी लगे हुए हैं, अभी रिफ्रेश हो रहे लो, यहाँ पे देख लो एड्स भी लगे हुए हैं गूगल के, और ये डोमेन भी फ्री का .blogspot.com, ठीक है। यहाँ पे देख लो लेबल क्या होता है, अब ये लेबल होते हैं, ठीक है, लेबल जो आपने कैटेगरीज यूज करनी है इनको लेबल कहते हैं, ये जो मेन यहाँ पे लगे हुए हैं इनको लेबल्स कहते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे लेबल सेलेक्ट कर लिया, सारा काम हो गया, परमालिंक पे आ जाओ। एसईओ फ्रेंडली करना है तो कस्टम परमालिंक आपने यहाँ पे यूज करना है। कस्टम के लिए आपने मेन कीवर्ड अपना यहाँ पे ले लिया, किया कॉपी और यहाँ पे ला किया पेस्ट, और यहाँ पे देखो वर्ड के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आके इस वाले सिंबल को यूज करना है, और यहाँ भी आके इस वाले सिंबल को यूज करना है, ठीक है, आपका काम हो गया। पब्लिश के बटन पे प्रेस करो, कन्फर्म के बटन पे प्रेस करो, तो देखो आपकी ये पोस्ट हो गई है, ठीक है। अब इसको गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना, वो कैसे करना वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे करनी है, इसे ओपन करके आपको दिखा दे कि हमारी पोस्ट किस तरह से आपको देखने को मिली है, कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा इस कोर्स के अंदर, नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लेवल का, प्रो लेवल का आपको इंटरफेस देखे इस तरह से मिलता जुलता कोई अच्छा सा प्रीमियम लेवल का टेम्पलेट आपको इंस्टॉल करवाएगा आपका भाई, ठीक है। ये देख ले यहाँ एड्स भी डिस्प्ले हो रहा है, जिसकी वजह से आपको पेमेंट मिलती है, पैसे मिलते हैं। आई होप यार आपने सीख लिया कि कैसे एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। इस तरह से आपने 25 ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। ये ना हो आप 5 से 10 ब्लॉग पोस्ट लिखो और अप्लाई कर दो, नहीं, आपने 25 ब्लॉग पोस्ट लिखनी है और एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर आपके मिनिमम 1000 वर्ड होना चाहिए, और ये कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होना चाहिए, फिर 100% अप्रूवल मिलेगा। कॉपी पेस्ट करोगे 80% अप्रूवल मिलेगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा कॉपी पेस्ट कैसे करना है वो भी अलग से आपको बताऊंगा। अभी के लिए बात कर लेते हैं कि आपने ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद क्या काम करना है, अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को इंडेक्स करना है गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, अपना साइट मैप सबमिट करना है। अब यार साइट मैप कैसे जनरेट करते हैं और कैसे सबमिट करते हैं
अब इस पार्ट में आपको दिखाने लगा, चलो स्क्रीन पे चलते हैं। सर्च मैप जनरेट करने के लिए और सबमिट करने के लिए आपने अपने ब्लॉगर पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद व्यू ब्लॉग के बटन पे प्रेस कर देना है। इस तरह से आपको आपका ब्लॉग देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिंक को किया आपने कॉपी, देखो यहाँ राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद न्यू टैब में आ गए। टैब में आने के बाद यहाँ पे आके आपने सर्च किया साइट मैप जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे टाइप करोगे इतना तो इस तरह से आपके सामने काफी सारे साइट मैप आ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे इसके आगे लिख देते हो फॉर ब्लॉगर, तो आपको मेन साइट यहाँ पे सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगी, देखो lebnow.org। यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना आपने। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आगे जो पहला लिंक है इसे रिमूव कर देना, और जो लिंक आपने कॉपी कर रखा है इसे ला आगे कर देना पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जनरेट XML साइट मैप यहाँ पे प्रेस कर देना है। तो देखो आपका साइट मैप यहाँ पे जनरेट हो चुका है। पहली दो लाइनों को छोड़ देना, आपने यूजर से लेके लास्ट तक आप लोगों ने इसे कर लेना है कॉपी टेस्ट को। तो देखो कॉपी करने के बाद अब आपने आ जाना अपने ब्लॉग के ऊपर, ब्लॉगर के ऊपर, अपने ब्लॉग सेटिंग के ऊपर। यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आ जाना। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा आपने करना है स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग आएगा, यहाँ पे ये ऑफ होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसे अलो कर देना। अलो करने के बाद यहाँ कस्टम रोबोट TST पे आ जाना। मैंने पहले से लगा रखा है, अगर आपने नहीं लगा रखा तो आप लोगों ने यहाँ पे आके इस वाले टेस्ट को जो आपने यहाँ से किया कॉपी, इसको कर देना यहाँ पे पेस्ट, देन सेव के बटन में प्रेस कर देना। तो आपका साइट मैप यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आप लोगों ने यहाँ पे आके स्लैश डालनी है और यहाँ पे साइट मैप .xml टाइप करना है। तो देखो आपका साइट मैप यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे अब आप लोगों ने आ जाना है गूगल सर्च कंसोल के अंदर। यहाँ पे देखो गूगल में आ जाना, यहाँ आके स्टार्ट नाउ के बटन प्रेस किया। यहाँ पे URL प्रीफिक्स के अंदर आके आप लोगों ने अपनी डोमेन कॉपी कर देनी है। यहाँ पे देखो पूरा HTTPS वाला लिंक आप लोगों ने लगाना है, देन कंटिन्यू के बटन में प्रेस करना। उसके बाद देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन आ चुकी है, HTML वेरिफिकेशन, आप लोगों ने इसको यूज नहीं करना। यहाँ पे देखो HTML टैग है, तो यहाँ पे आगे इसको क्लिक करना और यहाँ पे इसे कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉग के अंदर आ जाना। मैं दूसरी ईमेल पर कर रहा हूँ इसलिए मुझे कॉपी करना पड़ रहा है, अदरवाइज आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आपकी साइट ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद देखो मैं चला गया यहाँ पे थीम के अंदर। थीम के अंदर आने के बाद देखो यहाँ पे कस्टमाइज और साथ ड्रॉप डाउन बटन है, यहाँ पे प्रेस किया और देखो यहाँ पे देखो एडिट HTML पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने हेड टैग के नीचे इसको ऐड कर देना। देखो यहाँ पे करने के बाद सेव के बटन पर प्रेस करना है। तो आपका HTML टैग यहाँ पे सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद देखो आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ वेरीफाई है, इसके बटन वेरीफाई के बटन पे प्रेस करना है। चेकिंग वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद देखो वेरिफिकेशन यहाँ पे ओनरशिप वेरीफाइड हो चुकी है, गो टू प्रॉपर्टी के बटन पे प्रेस कर देना। तो अब देखो आप लोग यहाँ पे आ चुके हो, स्टार्ट के बटन पे प्रेस किया। अब आप लोगों ने साइट मैप यहाँ पे ऐड करना, साइट मैप्स के बटन पे आ जाओ। यहाँ पे देखो पहले से मैंने ऐड कर रखा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए दोबारा करना पड़ रहा है, तो इसलिए दोबारा करूँ। यहाँ पे आने के बाद अब आप लोगों ने आ जाना यही इस वाले लिंक पे, और यहाँ पर साइट मैप .xml यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो और खुद से भी टाइप करके यहाँ पे लिख सकते हो आके एंटर साइट मैप URL के अंदर साइट मैप .xml। सबमिट के बटन पर प्रेस करोगे तो देखो आपका साइट मैप यहाँ पे सबमिट हो चुका है। ये ऊपर आ गए, नीचे था, अब ऊपर आ गए। 5 अप्रैल है आज, तो 5 अप्रैल को यहाँ पे हमारा साइट मैप सबमिट हो चुका है। 10 पोस्ट इसमें ने की हुई है, डिस्कवर्ड URL यहाँ पे 10 आ चुके हैं। आई होप यार आपने अच्छे से देख लिया, सीख लिया कैसे साइट मैप सबमिट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कैसे SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। इतना काम आपको आ गया। तो यार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ब्लॉग पोस्ट लिखना नहीं आती, जिनको टाइप करना नहीं आता, जिनके पास नॉलेज नहीं है, तो वो लोग, वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें क्या कर सकती है, वो ये काम कर सकती है कि कॉपी पेस्ट कर सकती है। कॉपी पेस्ट ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही कॉपी पेस्ट कर लिया। इस पार्ट के अंदर जो मैं आपको मेथड बताने लगा हूँ, जिस तरह कॉपी पेस्ट मैं करके दिखाने लगा हूँ, इस तरह से आपने कॉपी पेस्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका ब्लॉग अच्छे से रन होगा, आपका कंटेंट 100% यूनिक होगा, प्लैगरिज्म फ्री होगा। तो वो कैसे करना है, चलो कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यार आप लोगों ने कॉपी पेस्ट वाला आर्टिकल लिखने के लिए अपने ब्लॉग के ऊपर आ जाना, न्यू पोस्ट के बटन पे प्रेस कर देना। इस तरह से न्यू पोस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे अब आप लोगों ने अपनी न्यू पोस्ट लिखनी है, लिखनी नहीं है कॉपी पेस्ट करनी है। यहाँ पे देखो न्यू टैब के अंदर आ जाना, यहाँ पे आके गूगल सर्च के अंदर आपने अपना टॉपिक लिख देना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड्रॉयड गेम्स वर्सेस आईफोन गेम्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना ये टॉपिक लिख दिया, देखो आपके सामने ये टॉपिक आ गया। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है कि आपने आर्टिकल कौन सा कॉपी करना है, कैसा कॉपी करना है, ठीक है। किसी भी एक आर्टिकल के ऊपर आपने आ जाना, और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने उस आर्टिकल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख लो आपने अपने PC लैपटॉप के अंदर आकर वर्डपैड को ओपन कर लेना। ये वर्डपैड या जो भी आप
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह भी यूज़ करना चाहो। यहाँ पे आने के बाद देखो आपने इस आर्टिकल के ऊपर आ गए, और आर्टिकल पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल एज इट इज़ इस आर्टिकल को यहाँ पे कर लिया कॉपी। देखो आर्टिकल आप लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब आप लोगों ने डायरेक्ट इस आर्टिकल को करना है अगेन सेलेक्ट, यहाँ पे आके पेस्ट कर लेना वर्ड पैड के ऊपर, और कंट्रोल ए दबा के पूरे आर्टिकल को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे न्यू टैब के अंदर। न्यू टैब के अंदर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अगेन गूगल सर्च के अंदर टाइप करना है स्पिन बोट। ठीक है, स्पिन बोट टाइप करके या इस तरह का कोई भी आर्टिकल रीराइटिंग टूल आपने यूज कर लेना। यहाँ पे आकर अपने टेस्ट को पेस्ट कर देना जो आपने कॉपी कर रखा है। देखो यहाँ पे आकर मैंने टेस्ट सारा पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, पेस्ट करने के बाद स्पिन इट का बटन है यहाँ पे प्रेस कर दो। अब यहाँ पे पजल को सोल्व करो। पजल सोल्व करने के बाद आपका आर्टिकल रीराइट होके आ गया। अब यहाँ पे इसे कॉपी कर लो, इतना ही काम नहीं करना। यहाँ पे आके जो सेलेक्ट किया हुआ है पहले वाला वर्ड पैड के ऊपर यहाँ पे इसको खत्म कर दो। देन आपने जो न्यू अभी कॉपी किया ना उसको ला के यहाँ पे कर दो पेस्ट। ये देखो न्यू आर्टिकल आ गया जो आपने अब कॉपी किया है। अब अगेन कंट्रोल ए करो और कंट्रोल सी कर दो, यानी इसे कॉपी कर लो। ठीक है, टोटल टेस्ट को यहाँ से वर्ड पैड के ऊपर से कॉपी करना है। उसके बाद अगेन आ जाओ न्यू टैब के अंदर, यहाँ पे आके देखो टाइप कर दो प्लैगरिज्म चेकर। ठीक है, यहाँ पे प्लैगरिज्म चेकर प्रेस करो। यहाँ पे काफ़ी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाती है। शुरू वाले एड्स को छोड़ दो और यहाँ पे किसी भी एक दो वेबसाइट को ओपन कर लो जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये तीन साइट्स ऑन करने लगा हूँ, इनमें से जो अच्छी होगी मैं उस पर यूज़ कर लूँगा। आप ही किसी भी एक को यूज़ कर सकते हो। चलिए इस फर्स्ट वाली को ही हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे अपना आके अपने आर्टिकल को कर देना आपने पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखो थोड़ा सा स्क्रोल डाउन किया और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे प्रेस किया और चेक प्लैगरिज्म पे प्रेस कर देना ताकि आपको पता चले कितना यूनिक है आपका आर्टिकल। यहाँ पे अब आप लोगों ने आकर थोड़ा सा वेट करना है। देखिए आपको प्लैगरिज्म यहाँ पे चेक हो रहा है, वेट करना। अब देखिए इस टूल ने आपको बता दिया कि आपका आर्टिकल 100% यूनिक है और 0% इसमें प्लैगरिज्म है। इसका मतलब आपका आर्टिकल बेस्ट हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत। तो अब देखो आप लोगों ने यहाँ पे आके अपना ये जो आर्टिकल आपने देख लिया ना कि 100% यूनिक है, तो अब देखो अब इस आर्टिकल को आप लोगों ने यहाँ पे आने के बाद कॉपी करना है। अगेन कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉग पे आ जाना, यहाँ पे आके सिंपल इस आर्टिकल को पोस्ट कर देना और इसका जो टाइटल आप रखना चाहो वो आपने रख लेना। जो भी टाइटल आप रखना चाहो वो रख देना आपने। हमने यहाँ पे ये टाइटल सर्च किया था तो हम इसी को टाइटल रखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल आ गया। और यहाँ पे देख लो इसका आगे आप लोगों ने हेडिंग वगैरह भी देना चाहो तो यहाँ पे आके हेडिंग भी दे सकते हो। सब हेडिंग हमने दे दी और यहाँ पे अपना एक आर्टिकल का ये जो टाइटल है इसको एज इट इज कॉपी किया और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। और इस टाइटल को यहाँ पे ला के हमने क्या किया, मेजर हेडिंग का नेम दे दिया। ठीक है, मेजर हेडिंग दे दिया और ये आपका आर्टिकल, और आपका आर्टिकल ये पैराग्राफ की सूरत में आ चुका है। अब आप लोगों ने किसी भी एक इमेज को यहाँ पे यूज कर लेना। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, टाइटल के नीचे आ जाना, यहाँ पे आके अपनी इमेज को ऐड करना। इमेज यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के बटन में प्रेस किया, यहाँ चूज फाइल कर ली, अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना आपने। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाके इसे यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखे और यहाँ पे सेटिंग के बटन पे आ गए, यहाँ पे एक्स लार्ज कर दिया और ऑल टेस्ट की जगह अपना ये टाइटल जो रखा है वो लगा दिया और यहाँ भी अपना टाइटल लगा दिया, अपडेट कर दिया। और यहाँ पे इसके अपने पैराग्राफ के स्टार्ट में भी आप लोगों ने अपना ये टाइटल लगा देना। देन देखो यहाँ पे इस तरह से इस टाइटल को अपने पैराग्राफ की 150 वर्ड्स तक अपने टेस्ट को किया कॉपी और यहाँ सर्च डिस्क्रिप्शन में ला के कर दिया पेस्ट। यहाँ परमालिंक के अंदर भी आने के बाद देख लेना कि आपने अपना टाइटल एज इट इज़ आपने ऐड करना है। उसके लिए टाइटल कॉपी की और यहाँ पे ला के ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो जहाँ स्पेस आ रही है स्पेस रिमूव की और इस वाले आपको और इस वाले सिंबल को आपने यूज़ कर लिया। देखो पूरे परमालिंग को आपने इसी तरह जनरेट। देन आप लोगों ने आ जाना अपने लेबल्स के अंदर, यहाँ पे आके अपना लेबल सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप लेबल यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहो। मैं यहाँ गेम्स रखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो गेम्स रख के मैंने कर दिया पब्लिश। आई होप यार आपने सीख लिया कैसे कॉपी पेस्ट करके एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा जाता है। अगर सीख लिया तो वीडियो को भी लाइक कर दो, नीचे कमेंट्स करके भी बताओ जी हमने सीख लिया है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है टेम्पलेट कस्टमाइजेशन, जिसे आप थीम भी कहते हो। अपनी वेबसाइट को प्रो वेबसाइट प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनाना है, उसकी लुक को कैसे ऑसम बनाना है वो आपको इस पार्ट में दिखाने लगा। इस पार्ट को भी अच्छे से देखना है, टेम्पलेट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहां से ले सकते हो। तो चलो यार वीडियो को यहां पे स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाता हूं कैसे टेम्पलेट को आप कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे अपनी वेबसाइट को सेटअप कर सकते हो, 100% प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते कोई भी ये जज नहीं कर सकेगा आपकी वेबसाइट को देखने के बाद, कोई भी ये जज नहीं कर सकेगा कि आपकी वेबसाइट फ्री में बनी हुई है, फ्री टेम्पलेट मिला है आपको। ये है पेड लेकिन आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है आपका भाई।
उसके लिए मोटिवेट करते रहना है चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलो प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कैसे टेम्पलेट कस्टमाइज करना है। यार आप लोगों ने क्या काम करना है, अपने ब्लॉग पे आ जाना, व्यू ब्लॉग के बटन पे प्रेस करना, और यहाँ पे देख लो आपके ब्लॉग का टेम्पलेट यहाँ पे बिल्कुल ही बोरिंग है। ठीक है, जो डिफॉल्ट आपका टेम्पलेट होता है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। यहाँ पे मैं आपको प्रीमियम लेवल का टेम्पलेट करके दिखाने वाला हूँ। आप लोगों ने अपने ब्लॉग पे आ जाना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस टेम्पलेट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। देन यहाँ थीम के बटन पे आ जाना। थीम के बटन पे आओगे, देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन मिल रहा है कस्टमाइज के साथ, यहाँ पे प्रेस करना है, और यहाँ पर रीस्टोर का बटन आपको देखने को मिल रहा है, रीस्टोर के बटन पे प्रेस कर देना। देन अपलोड का बटन है, अपलोड के बटन पे प्रेस करना है। ये लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। देन यहाँ पे आपने इसे ओपन कर देना है। ओपन करोगे देखो रीस्टोरिंग थीम हो रहा है, रीस्टोर थीम। ठीक है, आपका थीम यहाँ पे लग चुका है। या आप यहाँ पे आके साइड पे आके रिफ्रेश के बटन पे प्रेस करते हो तो देखो आपकी साइड यहाँ पे प्रो लेवल की हो गई है, लेकिन अभी यहाँ पे पूरी तरह से आपको आपका टेम्पलेट शो नहीं हो रहा। ठीक है, पूरी तरह से शो नहीं हो रहा। ये देखो यहाँ पे पूरा हिस्सा जो ब्लैंक है। तो उसके लिए आप लोगों ने अब क्या काम करना है, यहाँ पे आपने कैसे ऐड करना है, इसे कस्टमाइज कैसे करना है, वो मैं आपको सिखाने लगा हूँ। यहाँ पे आ जाना आप लोगों ने लेआउट के ऊपर। लेआउट के अंदर आने के बाद देखो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलता है। टॉप नेविगेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो टॉप नेविगेशन ये होती है होम अबाउट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आप लोगों ने अपने पेजेस ऐड करने हैं, जो मैंने आपको पेजेस बना आगे दिखाए थे यहाँ पे। अब पेजेस आपने कैसे ऐड करना है, न्यू टैब के अंदर पेजेस को ओपन कर लो। यहाँ पे देखो आपके पेजेस आ गए। अब यहाँ पे आ जाओ लिंक लिस्ट के अंदर, तो लिंक लिस्ट के बटन पे प्रेस करना, और यहाँ पे देखो आपको लिंक लिस्ट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आपके ये पेजेस वगैरह जो पहले से लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो ये वाले ये शो हो रहे हैं। अब आपने इनको एडिट कर लेना है। देखो पेजेस जो आपने बनाया है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का है सबसे पहले, अबाउट अस है, इसका व्यू के बटन पर प्रेस करके राइट क्लिक करो, कॉपी लिंक एड्रेस। देन यहाँ पे आके देखो आप लोगों ने ऐड कर देना है, अबाउट के अंदर आके इसे एडिट किया, और यहाँ देखो ये जो लिंक लगा हुआ है इसको कर दो रिमूव, और यहाँ पे अपना लिंक ऐड कर दो। ठीक है, अभी जो आपने अपने पेज का लिंक है यहाँ पे, ये वाला आपका लिंक है, इस वाले लिंक को ऐड कर दो। उसके बाद देखो आपको शो हो रहा है होम, तो होम के अंदर आप लोगों ने आ जाना अपनी साइट पे, और साइट का लिंक लेके यहाँ पे इसे करना है कॉपी। कॉपी करके यहाँ पे आके होम के लिंक के नीचे आप लोगों ने एडिट के बटन में प्रेस किया, और होम के साइट यूआरएल के अंदर आपने ये ऐड कर दिया। देन स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे आने के बाद इसे भी एडिट किया। कॉन्टैक्ट के लिए आप लोगों ने देख लेना, आपने पेज बनाया जी बनाया, तो इसे भी लिंक को कॉपी किया, और यहाँ पे आके इस वाले लिंक की जगह पे हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप लोगों का रह गया है देखो प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर है। अब यहाँ पे आपका प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर रह गया। डिस्क्लेमर वाले लिंक को करो यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आके देखो ऐड न्यू आइटम के बटन पर प्रेस किया, और यहाँ टाइप किया प्राइवेसी, यहाँ डिस्क्लेमर टाइप करो, पहले हमारा डिस्क्लेमर है। देन देखो इसके लिंक की जगह पे आपने ये लिंक लगा देना जो आप लोगों ने अभी कॉपी किया। अब एक एक करके इन सबको सेव करते जाओ। देखो जितने भी आपके लिंक है ना, इनको एक एक करके सेव करते जाओ। अब यहाँ पे देखो ऐड न्यू आइटम है, तो ऐड न्यू आइटम पे प्रेस करो, और यहाँ पे आपको एक और आइटम ऐड करने का ऑप्शन मिला, यहाँ लिख दो प्राइवेसी, और यहाँ पे आकर अपनी साइट से ले लो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक। देखो ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे आकर इसे ऐड कर दो। हमारी जो टॉप नेविगेशन है सेट, यहाँ पे सेव के बटन पर लाजमी प्रेस करना, अदरवाइज आपकी ये सेव नहीं होगी। अब देखो अगर रिफ्रेश करते हैं तो टॉप नेविगेशन हमारी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे मेगा मेन्यू, ये वाली मेन्यू है, इस मेन्यू को चेंज करना है। उसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे आ जाना है अपनी साइट के ऊपर। साइट के ऊपर आने के बाद अब देखो आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे आ जाना अपनी पोस्ट के अंदर। ठीक है, ये देखो आपको आपकी पोस्ट यहाँ पे रिसेंट पोस्ट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आने के बाद अपनी पोस्ट को ओपन करते जाना। यहाँ पे जितने भी लेबल आप लोगों ने यूज़ किए, टैग्स यहाँ पे हमारे शो नहीं हो रहे, इसलिए लेबल्स यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो देख लो यहाँ पे आके अपनी पोस्ट, हमने यहाँ पे 10 ऑलमोस्ट पोस्ट की है, तो 10 पोस्ट को हम यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। देखो हमने यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट को ओपन कर लिया, यहाँ पे हमें शो हो रहा है टैग्स। देखो होम के साथ ये गेम्स का टैग है, लेबल है। अब लेबल के बटन पे प्रेस कर दो, ये देखो लेबल आपका आ गया, गेम्स वाला लेबल। अब इस लेबल को आप लोगों ने कर लेना यहाँ पे कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे अपने थीम के ऊपर। थीम के अंदर आने के बाद देखो यहाँ पे आने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है मेन मेन्यू का। ये जो हमारी मेन मेन्यू है, इसे हम यहाँ पे एडिट करने वाला है, इसे चेंज करने वाला है। देखो यहाँ पे आ गए मेन मेन्यू के अंदर, और लिंक लिस्ट को यहाँ पे चेंज किया हमने, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखो आपको सारी मेन मेन्यू देखने को मिल रही है। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले होम है तो होम को भी ना छोड़ो, फीचर्स है तो फीचर्स के बटन को एडिट करो यहाँ पे आके, और यहाँ पे आने के बाद कर दो अपने इस लिंक को पेस्ट, और जहाँ फीचर्स लिखा हुआ है यहाँ हमारी कैटेगरी है गेम्स, तो हम यहाँ पे गेम्स को सेव करते हैं। सेव कर दिया, उसके बाद देखो मल्टी ड्रॉप डाउन में है, तो मल्टी ड्रॉप डाउन के नीचे जितने भी है इनको रिमूव कर दो। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट कोड्स के ऊपर तक, यहाँ पे देखो आ जाओ मल्टी ड्रॉप डाउन के ऊपर, यहाँ पे इसे भी एडिट करो, और यहाँ पे आकर अपनी दूसरी कैटेगरी को ऐड करो। इसे अभी हमने एक कैटेगरी ऐड की,
अभी हमने एक कैटेगरी ऐड की है, अब दूसरी करने वाला है। देखो पीसी गेम्स है तो पीसी गेम्स के बटन पर प्रेस करो होम के साथ, जो है यहाँ दूसरी कैटेगरी आ गई, लेबल आ गया, इसको भी कर लो कॉपी। और यहाँ पे आके देखो मल्टी ड्रॉप डाउन वाले लिंक के नीचे आके इस लिंक को पेस्ट कर दो और यहाँ पे लिख दो पीसी गेम्स। और यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पीसी गेम्स है ना, यहाँ पे ये इसका लेबल जो है, ये आपने ध्यान रखना है कि स्पेलिंग जो आपने यहाँ पे लिखे हुए है ना होम के साथ, देखो ये आपका लेबल शो हो रहा है, ये जो स्पेलिंग है सेम आप लोगों ने यहाँ भी राइट करना है पीसी गेम्स। यहाँ पे हमने सेम स्पेल को राइट कर दिया, देन यहाँ पे सेव के बटन पे प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे शॉर्ट कोड को भी डिलीट कर दो और साइट मैप वाले को भी यहाँ पे डिलीट कर दो, एरर पेज को भी डिलीट कर दो। अब यहाँ पे मेगा मेन्यू आ गई, इससे भी एडिट करो। मेगा मेन्यू की जगह आके देखो यहाँ पे बिजनेस है तो यहाँ पे मेगा मेन्यू आ रही है। अब मेगा मेन्यू को हमने चेंज करना है, मेगा मेन्यू को कैसे चेंज करने वाले हम, यहाँ पे आके बिजनेस है ना, तो बिजनेस की जगह हम चाहते हैं कि हमारी कैटेगरी शो हो टेक की, ठीक है। यहाँ पे टेक हमने शो करवा दिया टेक, और यहाँ पे लेबल भी हमारा टेक का एक हमने रखा हुआ था, और यहाँ भी आके हमने टेक का लेबल रख दिया। यहाँ फिर यहाँ पे जो था वही रहने दो, ठीक है, मेगा मेन्यू रहने दो। यहाँ पे देखो आके अब हमारा एक साइड का लेबल है टेक, यहाँ पे देखो ये लेबल है हमारा टेक, तो टेक वाले लेबल को हमने यहाँ पे आके यूज कर लिया, लिंक कॉपी किया। यहाँ पे देखो आने के बाद यहाँ पे टैग के लिंक को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, इसलिए इसे एज इट इज सेव कर दो। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, इसे भी एडिट करो, यहाँ पे जो लिंक लगा हुआ है इस वाले लिंक को रिमूव कर दो। अब अपना नेक्स्ट वाला लेबल यहाँ पे शो करवाओ, फ्री गेम्स वाला लेबल हम शो करवाना चाहते हैं फ्री गेम्स के बटन में प्रेस किया, इसकी स्पेल आपने देख लेना है कि स्पेल सेम हो। यहाँ पे आके इस वाले लिंक को कॉपी किया और यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपने लिख दिया फ्री गेम। उसके बाद आ गई हमारी वीडियो डॉक्यूमेंटेशन और उसकी जगह पे हम लगाने वाले हैं यहाँ पे देखो आके, उसकी जगह पे हम यहाँ पे अर्न मनी वाला लेबल यूज करना चाहते हैं। इस वाली पोस्ट को ओपन किया, इसका जो अर्न मनी का बटन पे प्रेस किया और यहाँ पे देखो इसका लेबल आ गया, लेबल को कर लिया हमने कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आगे वीडियो डॉक्यूमेंटेशन पे इसे एडिट किया और यहाँ पे आके लिंक कर दिया पेस्ट, और वीडियो डॉक्यूमेंटेशन की जगह हमने यहाँ पे ऐड कर दिया अर्न मनी, ठीक है। इतना ऐड करने के बाद सेव के बटन पे प्रेस कर दिया। उसके बाद हमारी कैटेगरीज इतनी ही है, बाकी वाली लास्ट वाली को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, अब हमारी यहाँ पे सभी सेव हो चुकी है। अब देन यहाँ पे आपने सेव के बटन पे प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाओ अपने टेम्पलेट के ऊपर, टेम्पलेट के ऊपर आने के बाद होम के बटन पे प्रेस करो, यहाँ पे देख लो आपकी कैटेगरीज ऐड हो चुकी है, ठीक है। मेगा मेन्यू के अंदर टैग की मेन्यू हमने ऐड की, वो यहाँ पे शो हो रही है, बाकी मेन्यूज यहाँ पे जितनी है सारी की सारी शो हो गई है। गेम्स के बटन में प्रेस किया, गेम्स वाली सारी यहाँ पे पोस्ट आ गई, पीसी गेम्स पे प्रेस किया, पीसी गेम्स वाली पोस्ट आ गई, मेगा मेन्यू पे प्रेस किया टैग की आ गई, फ्री गेम्स पे प्रेस किया और यहाँ पे फ्री गेम्स वाली आ गई, अर्न मनी पे प्रेस किया तो यहाँ पे अर्न मनी की आ गई। इस तरह से आप लोग यहाँ पे लेबल्स, इस तरह से लेबल्स को यानी मेन मेन्यू को सेट कर सकते हो। अब सोशल लिंक्स को सेट करने के लिए यहाँ पे लेआउट के अंदर आ जाओ, यहाँ पे देखो आपको सोशल टॉप के ऊपर लिंक लिस्ट मिल रही है, यहाँ पे आकर अपने सोशल लिंक ऐड कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे इनको एडिट करके यहाँ पे अपने पेजेस के लिंक वगैरह ऐड करते, जो मैं कुछ भी ऐड नहीं करता तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबको रिमूव कर देना। तो आप देख लो आपने जिनको ऐड करना है ऐड करो, आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा जल्दी, ठीक है। मैं नहीं करना चाहता इसलिए मैंने यहाँ पे आके सेव कर दिया रिमूव करने के बाद। अब यहाँ पे बात आती है आपके लोगो की, हेडर का जो लोगो है ना मेन, यहाँ पे देखो आपका ये लोगो शो हो रहा है न्यूज़ प्लस, इसे आपने कैसे सेट करना है। लोगो के बटन में प्रेस किया, हमने लोगो यहाँ पे सेट करके रखा, बना के रखा, तो आप लोग यहाँ पे आ जाओ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके अपने लोगो को चेंज करना चाह रहा हूँ, ये इमेज का यूआरएल है, यहाँ पे मैं ऐसे नहीं करना चाहता। अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर पर प्रेस करो, ये मेरा लोगो है, मैंने लोगो अपलोड कर दिया, यहाँ पे लोगो अपलोड हो गया, सेव के बटन पे प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे देख लो आगे साइड के अंदर ये वाला ऐड है, तो ऐड रिमूव कैसे करना है, यहाँ पे आके हेडर ऐड है तो यहाँ पे आके इसका कोड यहाँ से रिमूव करके अब सेव कर दो। अब बात कर लेते हैं ये जो लोगो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ना ऊपर टॉप पे गेमिंग टिप्स के साथ ब्लॉगर का बी, ये भी आपने चेंज करना है, वो कैसे करना है देखो। उसके लिए आपने सेटिंग्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद देखो यहाँ पे आपको फेव आइकन का ऑप्शन मिलता है, फेव आइकन पे आ जाओ, यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे प्रेस करो, यहाँ पे सेव कर दो, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। मेरी ये स्केयर इमेज नहीं है इसलिए चेंज नहीं हो रहा, तो मैं इसे बाद में खुद चेंज कर लूँगा। आपने एक स्केयर इमेज यूज़ करके यहाँ पे चेंज कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना मोबाइल लोगो कौन सा यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे प्रेस करो, सेम वही लोगो जो आपने पहले अपलोड किया है उसी लोगो को आके सेलेक्ट करो यहाँ पे, और मोबाइल के अंदर भी सेम लोगो को यहाँ पे यूज़ करो, सेव के बटन पे प्रेस कर दो। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे हॉट पोस्ट के अंदर, यहाँ पे देखो ये होती है हॉट पोस्ट, अगर होम के ऊपर आते हो यहाँ पे आपको हॉट पोस्ट शो होगी, आप लोगों ने इसकी भी सेटिंग करनी है। उसके लिए आ जाना आपने हॉट पोस्ट के अंदर, इसकी जावा HTML जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल गेम्स वाली पोस्ट यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल गेम्स वाली पोस्ट शो करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे आके सेव किया
तो अब देखो यहाँ पे आके जितनी भी गेम्स वाली सिंपल गेम्स वाली पोस्ट होगी वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका टेम्पलेट कस्टमाइज हो रहा है। अब सोशल प्लग इन है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो इन्हें भी यूज़ करो, अदरवाइज आप रहने, तो मैं यूज़ नहीं करता इसलिए मैंने रिमूव करने वाला हूँ। आप अगर यूज़ करते हो तो यहाँ पे आके सिंपल एडिट के बटन पर प्रेस करो, अपने पेजेस वगैरह के, यूट्यूब चैनल वगैरह के जिसके लिंक ऐड करने आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं सबको यहाँ पे रिमूव करने वाला हूँ, देन यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट क्यों नहीं शो हो रही है। उसके लिए आप लोगों को अपने लेवल यूज़ करने होंगे, ये न्यूज़ प्लस टेम्पलेट क्या, तो आपको अपने करने होंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, बिजनेस तो मेरी एक कैटेगरी है। यहाँ पे देखो मैंने एक लेबर रखा हुआ है गेम्स का, तो मैंने गेम सेट कर दिया। और यहाँ भी आके आपने एज इट इज सेम स्पेलिंग, सेम स्पेल आपने यूज़ करना है। सेव के बटन पर प्रेस किया। अब एक फूड है तो मैं फूड को यहाँ पर रिमूव करके यहाँ पे पीसी गेम्स करना चाहता हूँ। देखो सेम स्पेल आपने जो लेबल के लिए यूज़ किया वो यहाँ पर यूज़ करना है। इसको एज इट इज़ कॉपी करो, यहाँ पे आके फूड को रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर दो। फैशन है तो फैशन को भी ऐसे ही मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो फैशन की जगह भी आके मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ अर्न मनी को, ठीक है। यहाँ पे आके इसको कॉपी किया मैंने अर्न मनी को, और यहाँ फैशन की जगह आके ऐड किया, सेव के बटन पर प्रेस किया। अब थोड़ा नीचे करो, फीचर्ड पोस्ट 02 है, यहाँ पे आके अपने टाइटल वगैरह ऐड कर दो, ठीक है। हमारे देख लेते हैं यहाँ पे हमने कौन कौन से टाइटल ऐड किए हैं। मेगा मेन्यू के अंदर टैग ऐड किया, तो हम यहाँ पे एक टैग का भी ऐड कर लेते हैं। देखो सेम एज इट इज स्पेलिंग आप लोगों ने टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं आनी चाहिए, इसी तरह जैसे आपका है एज इट इज़ वैसे ही सेव करते जाओ। आप लोगों ने देख लेना जितनी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आप लोगों ने सेट कर लेना। तो सारा आपका यहाँ पे सेट हो चुका है। फुटर मेन्यू है तो फुटर मेन्यू के बटन पर प्रेस करो। यहाँ भी आके आप देखो इसको भी थोड़ा बहुत कर सकते हो सेटअप, ठीक है। होम का लिंक आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देना है। होम का लिंक यहाँ पे इस वाले लिंक को लो और यहाँ एडिट के बटन पर प्रेस करो, यहाँ आके लिंक लगाओ होम का, सेव। अब अबाउट अस, जैसे ये पेजेस मैंने पहले बताया आपको, जैसे पेजेस ऐड करना मैंने आपको ऊपर बताया, उसी तरह से आप नीचे भी यहाँ भी फुटर के अंदर भी पेजेस को ऐड कर सकते हो। मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ। पेजेस ऐड करने के बाद सेव के बटन पर प्रेस करो, तो आपका पूरा टेम्पलेट कस्टमाइज यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ पे आकर रिफ्रेश के बटन पर प्रेस करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपका टेम्पलेट पूरी तरह से कस्टमाइज हो चुका है। आप लोग जैसे कस्टमाइज करना चाहते हो अपनी मर्जी से वैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने आपको जैसे करके दिखाया, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप यार आपने टेम्पलेट को भी कस्टमाइज कर लिया होगा। अगर कर लिया, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसको भी अच्छे से देखना है। इससे आपकी अर्निंग में भी इजाफा होगा, आपकी ट्रैफिक में भी इजाफा होगा, क्योंकि जितना ट्रैफिक आएगा उतना रेवेन्यू जनरेट होगा। अब ट्रैफिक कैसे लेना है इस पार्ट में आपको सिखाने लगा। आंखें खोल के अच्छे से दिमाग के साथ आपने देखना है, सीखना है, इसको फॉलो भी करना है, ठीक है, इसको फॉलो भी करना है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लेके आना, हाउ टू गेट वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आने के कुछ मेथड्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक मेथड फॉलो कर लिया बाकी को छोड़ दिया, नहीं, सभी को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ चंद ही आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यार सबसे पहला मेथड ये है कि अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स जनरेट करने पड़ेंगे आपको। वो कैसे, जो हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स है उनसे आपको बैकलिंक लेना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आर्टिकल्स के अंदर अपने लिंक छोड़ने पड़ेंगे। वो कैसे आपने करना है इसके ऊपर अलग से वीडियो है, वो जाके देख सकते हो कि हाउ टू जनरेट बैकलिंक्स, ठीक है। बैकलिंक कैसे बनाते हैं वो आप लोग जाके अलग से वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में बताऊंगा तो यार ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको मल्टीपल मेथड बताने लगा हूं। आपने इनको समझ लेना और अलग अलग वीडियो देख के उन पर इम्प्लीमेंट करके इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना है। अब यार आप लोग सपोज कर लो कि quora.com, आप कहोगे कि हर वीडियो में quora.com ही बताता है। quora.com, इसके अलावा आप कर सकते हो विकीपीडिया, और इसके अलावा medium.com, इस तरह की हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट जो है वहाँ पे जाके आप लोग अपने बैकलिंक जनरेट कर सकते हो। इन पे बैकलिंक जनरेट करने से आपकी वेबसाइट की भी डोमेन अथॉरिटी, जिसे आप DA या DR भी कहते हो, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जब आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाएगी, आप कोई भी आर्टिकल लिखोगे तो वो गूगल की सर्च में टॉप पे आएगा, ठीक है, ये मेन मैटर है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लेना है कि आपने अपनी वेबसाइट की DA PA बढ़ानी है, पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी। वो कैसे बढ़ेगी, जितने ज़्यादा आपको बैकलिंक मिलने वाले है हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से, उसके साथ आपकी वेबसाइट की DA और DR या PA भी कह लो, वो बढ़ जाएगी। तो जैसे ही आपकी ये DA PA बढ़ जाएगी, उसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा बाय गूगल सर्च, ऑर्गेनिकली आपको ट्रैफिक मिलेगा। अब quora.com पे कैसे बैकलिंक क्रिएट करते हैं,
medium.com पे कैसे बैकलिंक क्रिएट करते हैं, और इसके अलावा मैंने तीसरा आपको बताया विकिपीडिया। इसके अलावा आप किसी भी हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट पे जाके अपने बैकलिंक छोड़ सकते हो, वहाँ पे बैकलिंक छोड़ोगे तो आपकी भी DAPA बढ़ेगी। दूसरा मेथड अब बात कर लेते हैं, दूसरा मेथड कौन सा है। दूसरा मेथड यार ये है कि आप लोगों ने अपने आर्टिकल के अंदर, अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर हाई सर्चेबल कीवर्ड्स को यूज़ करना है। अब हाई सर्चेबल कीवर्ड्स कौन से हैं वो आपको कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बता दूं। उसके लिए बहुत से टूल्स आ चुके हैं। सबसे पहले तो गूगल का एक अपना टूल है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। अब जाके कोई भी एक कीवर्ड लिखो, सपोज आप लिखते हो एफिलिएट मार्केटिंग, तो गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स आपको शो हो जाएंगे, और आपको सर्च वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा कि इस कीवर्ड के ऊपर इतना सर्च वॉल्यूम है और इसके ऊपर कॉम्पिटिशन कितना है, अगर आप लोग इस पर आर्टिकल लिखते हो तो आपके रैंक होने के चांसेस कितने हैं। तो यार ये चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा ऐसे नहीं है, गूगल कीवर्ड प्लानर ही है, कीवर्ड्स एवरीवेयर, इसके अलावा सैमरश, और यहाँ पे उबर सगेस्ट, और आप एच सुपर टूल को भी यूज कर सकते हो, ये भी थोड़ा बहुत अच्छा ही है। आप इन टूल्स को यूज करके ये पता कर सकते हो कि आप लोगों ने कौन से कीवर्ड यूज़ करने हैं अपने आर्टिकल के अंदर, अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर। अब थर्ड बात आती है कि यार SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, इसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो डाला है कि हाउ टू राइट ए ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, हाउ टू राइट ए SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। यार ब्लॉग पोस्ट लिखने में और SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट लिखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जैसे ज़मीन आसमान, ठीक है, इसी तरह इतना ही फ़र्क है ब्लॉग पोस्ट लिखने में और SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट लिखने में। अगर आप सिंपल ब्लॉग पोस्ट लिखते हो तो उस पर गूगल के थ्रू ट्रैफिक नहीं आएगा, वही ट्रैफिक आएगा जो आप शेयर करके लोगे, शेयर करके आपने ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं लेना। इसलिए आप लोगों ने SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। अगर आपको नहीं आती SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट लिखनी, उसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो है, 8-9 मिनट का वीडियो है, जाके उस वीडियो को देखो और समझो कि SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं, उससे आपको ये पता चल जाएगा SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं। अगर आप लोग इन तीनों मेथड के ऊपर काम करते हो तो मेरे भाई 101% आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा इस ट्रैफिक के थ्रू, और आपको 101% रियल ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलेगा। जितना रियल ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी साइट पे आएगा, उतनी ही ज्यादा आपकी DAPA बढ़ती जाएगी टाइम टू टाइम, और उतने ही ज्यादा आपके आर्टिकल भी गूगल की सर्च में टॉप पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जिनको फॉलो करने के बाद आपकी वेबसाइट पे ढेरों का भर भर के ट्रैफिक आ सकता है। ऐसा नहीं है आप लोगों ने अभी मेरी वीडियो देखी है और अगले ही एक घंटे के बाद आपकी वेबसाइट पे ढेरों ट्रैफिक आ जाए, नहीं मेरे भाई, वेबसाइट ट्रैफिक आने में काम लगता है। ये बैकलिंक जो होता है ये अपना काम दिखाने में थोड़ा टाइम लगाता है, 15-20 दिन मिनिमम लगते हैं अगर आप फुल एक्सपर्ट हो। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आपको 1 महीना 2 महीने 3 महीने और 6 महीने भी लग सकते हैं इन चीज़ों को फॉलो करते करते, ठीक है, इनको सही से समझते हुए। जैसे ही बैकलिंक से अपना काम दिखाना शुरू करेंगे तो आप लोग दोबारा से आओगे मेरी इस वीडियो पे, वीडियो को भी लाइक करोगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि 100% जेन्युइन मेथड वेबसाइट ट्रैफिक लेने के कोई और पर्सन आपको नहीं बताने वाला। लोग यही कहते हैं कि इस वेबसाइट पर जाओ इतना ट्रैफिक मिलेगा, वहां पर शेयर करो इतना मिलेगा, शेयर करने से ट्रैफिक मिलता है, ऐसा नहीं है ट्रैफिक नहीं मिलता, लेकिन उस पर एडसेंस अप्रूवल मिलने में इशू हो जाता है, क्योंकि जितना सोशल ट्रैफिक होगा उतना ही ज्यादा इशू होगा एडसेंस अप्रूवल मिलने में। सपोज अगर आपको एडसेंस अप्रूवल मिल गया या फिर आपने बाय कर लिया एडसेंस वाली वेबसाइट और सोशल ट्रैफिक ले रहे हो तो आपको गूगल एडसेंस पे एड लिमिट लग जाती है, जिसके थ्रू आपकी विद इन 1 month आपका गूगल एडसेंस डिसेबल हो जाता है, ठीक है, सस्पेंड हो जाता है। तो आप लोगों ने ये काम कभी भी नहीं करना, अपनी वेबसाइट पे अपने आर्टिकल्स को ज़्यादा शेयर नहीं करना, थोड़ा बहुत ट्रैफिक ले लो, यानी 20% अगर शेयर से ट्रैफिक लेते हो ले लो, 80% आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको बताया इससे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही मिलने वाला है। आई होप यार आपने सीख लिया कि वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे आ सकता है, सीख लिया तो नीचे कमेंट्स करके बताओ, जी हमें ये पार्ट भी आ गया कि हमें वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे लाना है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अपने ब्लॉग को कैसे अप्लाई करना है, कैसे लिंक करना है गूगल एडसेंस के साथ। जब आपका ब्लॉग गूगल एडसेंस से लिंक होगा तभी आपका रिवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट होगा। अब कैसे अप्लाई कर सकते हो गूगल एडसेंस के लिए वो इस पार्ट में दिखाता हूँ, चलो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं कैसे ब्लॉग को लिंक करना है गूगल एडसेंस के साथ, कैसे साइनअप करना है गूगल एडसेंस को। तो यार ब्लॉग को अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने आ जाना अपने ब्लॉग को, आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है कि आपकी थीम कस्टमाइजेशन और एवरीथिंग ओके है। जी भाई हमारा यहाँ पे एवरीथिंग ओके है। जब आपको लगे कि सब कुछ ओके हो गया, जितनी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई हुई आपने पूरी करी है, तब आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारी अभी 11 पोस्ट है, आपने 25 पोस्ट करने के बाद अप्लाई करना है। हम यहाँ पे जल्दी अप्लाई करने लगे हैं क्योंकि हमें पता है हमारी पोस्ट यहाँ पे ओके है, 100% ओके है। आपने यहाँ पे 25 पोस्ट करने के बाद ही अप्लाई करना है। यहाँ पे आ जाना आप लोगों ने अर्निंग्स के अंदर।
अर्निंग्स के अंदर आने के बाद इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, देखिए क्रिएट एडसेंस अकाउंट, ठीक है। यहां पे आके आप लोगों ने क्रिएट एडसेंस अकाउंट के बटन पे प्रेस करना है। यहां पे आपको साइन अप का बटन देखने को मिल रहा है, आपकी साइट यहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आई डोंट हैव ए साइट पे आपने प्रेस नहीं करना है, इसे ऐसे ही रहने देना, ठीक है। आपकी साइट ऑटोमेटिकली यहां पे आ चुकी है। उसके बाद गेट मोर यहां पे ओके कर देना है। यहां पे अपनी कंट्री ऐड करनी है, आपने देख लेना है इंडिया पाकिस्तान कौन सी आपकी कंट्री है, वो कंट्री आप लोगों ने यहां पे ऐड कर देनी है। हमारी पाकिस्तान है तो हम यहां पे पाकिस्तान ऐड करते हैं। उसके बाद इसको आपने पढ़ना पढ़ लो, अदरवाइज यहां पे ऐसे ही टिक के बटन पे प्रेस करके स्टार्ट यूजिंग एडसेंस के बटन पे प्रेस कर दो। उसके बाद इस तरह से आपके एडसेंस का अकाउंट बन चुका है। यहां पे आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आपको देखने को मिल चुका है। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, यहां पे आपने साइट वगैरह लगानी है और यहां पे आपने आ जाना है अगेन यहां पे रिफ्रेश के बटन पे प्रेस करना है। तो यहां पे देखो आपका इंटरफेस चेंज हो चुका है। इंटरफेस चेंज होने के बाद इस तरह से आ गया। अब यहां पे आपने कनेक्ट टू एडसेंस के बटन पे प्रेस करना है। अब ये देखिए आपका एडसेंस कनेक्ट हो चुका है नीचे। अब गो टू एडसेंस आ चुका है, तो गो टू एडसेंस के बटन पे प्रेस कर देना। यहां पे एंटर इन्फॉर्मेशन है, इसे आपने ओके करना है, देन एंटर इन्फॉर्मेशन के बटन पे प्रेस करना है। यहां पे एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, ये बिल्कुल न्यू इंटरफेस है, इससे पहले ऐसा इंटरफेस नहीं होता था, अब चेंज हो चुका है, काफी दिन पहले ही हो चुका है। तो अब आपने यहाँ पे अपनी डिटेल ऐड करनी है, वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपने इंडिविजुअल सेट कर लेना, अपना नेम ऐड करना है, एड्रेस ऐड करना है जो आपके सीएनआईसी के ऊपर है। उसके बाद टाउन सिटी अपनी सिटी ऐड करनी है, पोस्ट कोड ऐड करना है। पोस्ट कोड क्या होता है, सपोज आपकी सिटी है यहाँ पे लाहौर, लाहौर आपने टाइप किया, आगे लिख दिया पोस्ट कोड। आपकी कोई भी सिटी नेम है यहाँ पे टाइप करके अगर पोस्ट कोड करना है, ये आपका पोस्ट कोड होगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा आपका पोस्ट कोड, वो आपने ला के यहाँ पे लगाना है। पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दो। फॉर्म फिल करने के बाद फोन नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है, सबमिट के बटन पे आपने प्रेस कर देना। तो इस तरह से देखो एड्रेस वगैरह यहाँ पे ऐड हो चुका है, वी हैव गॉट योर इन्फो, यहाँ पे ये ग्रीन हो चुका है, पहले येलो था अब ये भी येलो है, येलो को आपने ग्रीन करना है। लेट्स गो के बटन पे प्रेस करना है, तो यहाँ पे ये कोड आ जाएगा, ये कोड आपने अपनी साइट पे ऐड करना है। कॉपी के बटन पे प्रेस करना और यहाँ पे आ जाना अपने ब्लॉग के ऊपर। ब्लॉग में आने के बाद यहाँ पे आपको देखो थीम का ऑप्शन देखने को मिलता है, थीम के अंदर आ जाना। थीम के अंदर आने के बाद कस्टमाइज के साथ ये ड्रॉप डाउन बटन है, यहाँ पे प्रेस करना और यहाँ पे एडिट HTML के बटन पे प्रेस करना है। ये कोड इन्होंने आपको बताया हुआ है कहाँ ऐड करना है, हेड टैग के नीचे, ठीक है। यहाँ पे ये हेड टैग आपको देखने को मिल जाएगा टॉप पे, हेडर के आगे एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट लाइन में आपने ये कोड पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी प्रेस करके, देन यहाँ पे आपको सेव का बटन मिलता है, सेव के बटन में प्रेस कर दो। प्रोसेसिंग हुई, यहाँ पे आपका कोड अपडेट हो चुका है, ठीक है, सेव हो चुका है। अब आपने आ जाना ही यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद रिक्वेस्ट रिव्यू के बटन में प्रेस करना। तो लो यार थैंक्स फॉर कनेक्टिंग द साइट, आपका साइट यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है, कोड भी आपने यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे तीनों ग्रीन हो चुकी है, आपकी साइट कनेक्ट हो चुकी है। अब आप लोगों ने वेट करना है, देखिए यहाँ पे गेटिंग योर साइट रेडी टू शो एड्स, नाइस वर्क, यू हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप्स। आई होप यार आपने देख लिया, अप्लाई कर लिया कैसे गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई होता है। आपका ए टू जी काम एक ही वीडियो से हो गया। अगर हो गया तो यह वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आप तक आते रहेंगे। 50K सब्सक्राइबर भाई की जल्दी से कंप्लीट करवाओ, भाई को सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके। इसके अलावा टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हो वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहाँ भी फॉलो कर सकते हो।